हमीरपुर शहर के बीचों बीच बाल स्कूल खेल मैदान में फटा हुआ 134 फुट ऊंचे तिरंगा फहराया है, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है, जिस कारण फटे हुए तिरंगे को देखकर स्थानीय लोगों में भी गहरा रोष पनप रहा है। वहीं जब मीडिया द्वारा जिला प्रशासन को इस बाबत सूचना दी गई तो उन्होंने फटे हुए तिरंगे को उतार दिया गया। देश की शान तिरंगे की इस तरह शहर में हो रही अनदेखी पर स्थानीय युवा भी खफा है। युवा तीन सिंह का कहना है कि बार बार तिरंगा फट जा रहा है, लेकिन लोगों के द्वारा बताने पर ही कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि तिरंगा स्थल के आसपास भी गंदगी का आलम है, जिस कारण लोगों में गहरा रोष पनप रहा है। गौरतलब है कि हमीरपुर में लगाए गए तिरंगे के बार बार फट जाने पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। लोगों में चर्चा है कि बार बार जिला प्रशासन घटिया क्वालिटी के कपड़े का तिरंगा लगा रहे हैं, जो कि कुछ ही दिनों तक टिक पा रहा है। वहीं जिला उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से गुरेज किया और कहा कि इस बारे में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये जो झंडा फटा है ये एक बार नहीं हुआ है, काफी बार हो चुका है और प्रशासन जो है इसके खिलाफ सीरियस नहीं है। झंडा भी फटा है तो मतलब ये इनको चताना पड़ता है कि जी झंडा फटा है, और झंडे के आसपास जहाँ झंडा लगा है तो यहाँ भी काफी गंदगी फैली हुई है। आप जैसे जिस तरह यहाँ का आसपास का हाल देख सकते हैं कि जिस तरह नालियां जो है सारी ब्लॉक है और कूड़े के ढेर जो है यहाँ झंडे के आसपास भी लगे हैं, तो प्रशासन को मैं बताना चाहूंगा कि इसके बारे में कुछ ना कुछ जो सोचा जाए और इसके कड़ा संज्ञान लिया जाए।